हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ए टू जेड होम डिजाइनिंग। यहाँ पे मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन हाउस प्लान की वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। आज मैं एक प्लान लेके आया हूँ जिसका साइज 13x33 फ्रंट इसका 13 फिट दिया, लंबाई इसकी 33 फिट रखी है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 फिट में एलिवेशन आपका कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, काफ़ी बेस्ट एलिवेशन दिया हुआ है, देख सकते हैं। इसमें आपको ग्राउंड फ्लोर में 2 BHK दिखेगा, ऊपर भी आपको 2 BHK हाउस प्लान कम्प्लीट दिखेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट एलिवेशन आपका कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। अब मैं आपको इसकी 3D पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा, तो बढ़ते अपने 3D प्लान की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको प्लान मिलता है 13x33 में, ओनली फ्रंट इसका 13 फिट रखा है, लंबाई इसकी 33 फिट रखी है। कम्प्लीट हटी आपकी कुछ इस तरीके से बनी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेंटिलेशन कुछ इस तरीके से जाल भी दिया गया है, वेंटिलेशन का आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इस प्लान में, देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। यहाँ पे आपको इस तरीके से काफ़ी वीडियो मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से सीढ़ियाँ उपलब्ध आई गई हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको नॉर्मल सा पोर्च टाइप का दिख जाता है, यहाँ पे आराम से चेयर डाल के बैठ भी सकते हैं। ये 2.5 फिट का आपका स्पेस दिया गया है, देख सकते हैं, ये आपके प्लॉट से लिया गया है, 2.5 फिट का आपका स्पेस दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है, वेंटिलेशन विंडो भी दिख जाती है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से दिख जाता है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले बैठक दिख जाती है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं। बैठक के वेंटिलेशन कुछ इस तरीके से आपको विंडो भी उपलब्ध कराई गई। अगर आप कूलर लगाना चाहते हैं यहाँ पे आप कूलर भी रख सकते हैं। इस बैठक का मैंने साइज रखा हुआ है 9x12, 9x12 की आपकी बैठक दी गई है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं 9x12। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको जीना दिख जाता है, जीना आपका कंप्लीट बना हुआ है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं आप। जीना आपका 2.5 फिट का दिया हुआ है। जीने की सीढ़ियों का साइज मैंने कुछ इस तरीके रखा है, आपका पैर रखने वाला 9 इंच का है, इसकी हाइट मैंने 8 इंच दी है। कुछ इस तरीके सीढ़ियों का साइज दिया हुआ है। जीने के नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से एंट्री मिली है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको कॉमन टॉयलेट दिख जाती है। बैठक के पर्पज़ से आपको कॉमन टॉयलेट दी गई है, जीने के नीचे दिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको स्पेस दिख जाता है। यहाँ पे आपको ओपन स्पेस दिया है, यहाँ पे आपकी ओपन किचन बनाई हुई है कुछ इस तरीके से। आप आराम से कुछ इस तरीके से स्लेव डाल सकते हैं, किचन की तरीके यूज कर सकते हैं। इस पूरे स्पेस का मैंने साइज रखा हुआ है 5x9, ये 5x9 का आपका स्पेस दिया गया है, देख सकते हैं आप 5x9 कुछ इस तरीके से किचन के पर्पज़ से। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है, वेंटिलेशन विंडो भी दिख जाती है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको मास्टर बेडरूम दिख जाता है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एंट्री गेट दिया, गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको लैट्रिन बाथरूम कंबाइंड दिख जाती है। नॉर्मल सी आपकी लैट्रिन बाथरूम दी है जिसका मैंने साइज रखा 3x5, ये 3x5 की आपकी लैट्रिन बाथरूम कंबाइंड दी गई है, देख सकते हैं 3x5 की। इस रूम का मैंने साइज रखा हुआ है 10x12, दीवार को हटा के मैं सारे साइज बता रहा हूँ, 10x12 का आपका मास्टर बेडरूम दिया गया है कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं 10x12। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राउंड फ्लोर में कुछ इस तरीके से आपको बैठक दिखती है, एक आपको मास्टर बेडरूम दिख जाता है, ओपन आपको किचन मिल जाती है, कंप्लीट जीना आपका कुछ इस तरीके से बना हुआ है, जीने के नीचे आपको कॉमन टॉयलेट मिल जाती है। अब बात करते हैं ऊपर के प्लान की, तो जीने से आपको ऊपर आने में कुछ इस तरीके से दिख जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जीने से आपको जिस तरीके से ऊपर आएंगे, उसके बाद तुरंत ऊपर जाने कुछ इस तरीके जीना मिल जाता है, जैसा कि आपको नीचे देखने वाले सेम आपका जीना बना हुआ है, 2.5 फिट का आपका जीना दिया है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको जिस तरीके जाल मिल जाता है, ऊपर भी मैंने जाल दिया है, फुल वेंटिलेशन होता रहेगा आपके हॉल का, किचन का भी। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे आपके नीचे किचन बनाई होती है वहाँ पे आपको जिस तरीके से एंट्री गेट मिले, गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे कॉमन लैट्रिन बाथरूम दिख जाती है। ये आपकी कॉमन लैट्रिन बाथरूम दी है जिसका मैंने साइज रखा 5x5, ये 5x5 की आपकी कॉमन लैट्रिन बाथरूम दी गई है। अगर आप इसको बड़ा करना चाहें तो 5x6 की भी बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से एंट्री मिलता है, वेंटिलेशन विंडो भी दिख जाती है। गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आपको पीछे एक रूम दिख जाता है सेम साइज का, जैसा कि आपको नीचे देखने मिला था 10x12 का आपका रूम दिया गया है, देख सकते हैं 10x12 का। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से एंट्री गेट मिलता है, गेट से आप एंट्री लेंगे, एंट्री लेने के बाद यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से रूम दिख जाता है। रूम के वेंटिलेशन कुछ इस तरीके से विंडो भी उपलब्ध कराई गई है, यहाँ पे आप बालकनी आने जाने कुछ इस तरीके से एंट्री गेट दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। इस रूम का मैंने साइज रखा हुआ है 10x12, 10x12 का आपका रूम दिया, रोड साइड से देख सकते हैं 10x12। नीचे आपकी 9x12 की बैठक दी गई थी, तो यहाँ पे मैंने 1 फिट बढ़ा दिया है, यहाँ पे आपको 10x12 का रूम उपलब्ध कराया गया है। बाकी के यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से
बालकनी दिख जाती है, काफ़ी बड़ी आपकी बालकनी दी हुई है, देख सकते हैं। इस बालकनी का मैंने साइज रखा हुआ है 4x12, 4x12 की आपकी बालकनी दी गई है, देख सकते हैं 4x12। अगर आप रूम और बड़ा करना चाहते और आप एरिया कवर कर सकते हैं, रूम बड़ा कर सकते हैं, देख सकते हैं। कुछ इस तरीके से ऊपर आपको दो रूम दिए गए हैं, एक आपको कॉमन लैट्रिन बाथरूम दी गई है, नीचे आपको किचन दी गई है। कंप्लीट आइडिया आपकी कुछ इस तरीके से बनी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं वेंटिलेशन कुछ इस तरीके से जाल दिया गया है। कंप्लीट एलिवेशन आप देख सकते हैं 13 फिट में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, काफ़ी बेस्ट एलिवेशन बना हुआ 13 फिट में ओनली, देख सकते हैं आप 13x33 में हाउस प्लान बहुत ही बेस्ट दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आज का प्लान बहुत ही पसंद आया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने धन्यवाद।